अब तक आपने देखा राजकुमारी कुंती नवजात करण का त्याग करती है और सुषेण अधिरथ करण की रक्षा कर उसे घर ले आते हैं। ये जानकर राधा कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता है। कर्ण के जन्म का रहस्य गांव वालों से गुप्त रखने के लिए परिवार समेत अधिरथ शंकुप्रत की ओर प्रस्थान करता है। कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण मध्यम उसे सबक सिखाने के लिए जब तक मेरे हाथों में धनुष और बाण है तब तक हम एक किसी का बहन। धनुष को स्पर्श मत करना। उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना धनुष कर। अब आगे अपने एक एक तीर से एक एक क्षत्रियों का शीश उतार लो जाकर। यदि हमारे भाग्य में संसार का सुख नहीं है तो शमशान का सुख तो प्राप्त हो ही जाएगा। हाँ माता, मेरा धनुष अब आपको सारे सुख प्राप्त करवाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कर, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो सुख मेरे लिए केवल एक सपना बनकर रह गया है। अब सुख प्राप्त करने का केवल एकमात्र आशा है जो तुम्हारे तीर ही पूर्ण कर सकता है। उठाओ धनुष, चढ़ाओ तीर, खींचो प्रत्याशा और लक्ष्य भेद करो। यहां तुम्हारा पहला तीर, यहां मेरे हृदय पर चला। राधा कर, ये मेरा आदेश है, बस करो। मेरा मेरे मृत्यु का कारण तो बनी गए हो, अब मृत्यु का साधन भी बन जाओ तो। नहीं माता, मैं आपकी मृत्यु का कारण नहीं हूँ। हो, तुम ही हो मेरी मृत्यु का कारण, मेरे दुर्भाग्य के कारण, मेरे सारे दुखों का कारण तुम ही हो। कर तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारे पिता राजशांति से एक छोटे से गांव में सामान्य रथ निर्माण करने लगे। अपने तीर से बीन दो मेरा हृदय और उसके बाद अपने पिता और भाई का वध करना ना भूलना। नहीं माता, नहीं माता, मैं आपका वध क्यों करूंगा? वध करने ही आए हो तुम मेरे आंगन। हक जिस लकड़ी पे आसरा लेती है उसी को जला देती है। हक के प्रकाश के पीछे उस लकड़ी का बलिदान होता है और उसी तरह तुम मेरे परिवार का बलिदान लोगे। कर नहीं माता, तुम्हारी ये दिव्यता, ये धनुर्विद्या सब मेरे प्राण का बलिदान मांगती है। नहीं नहीं माता, मत कहो मुझे माता। तुम एक राक्षस हो पर मैं किसी राक्षस की माता नहीं बन सकती। राधा ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा मत कहिए माता,
मैं आपका पुत्र हूँ। माता, मेरा पुत्र सूत हो सकता है, कोई जरूरदारी नहीं। तुम दिव्यता लेकर जन्मे हो, बड़े धनुर्धारी हो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मार डालो मुझे, मार डालो। पीने का दूध सोने के पात्र में रहता है, मेरी इतनी पात्रता नहीं तुम्हारी माता बनने की। मार डालो मुझे, मार डालो। माँ, मैं धनुष छोड़ दूंगा, मैं धनुष पर ही नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। मत कहो माता मुझे, मुझे माता कहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। तुम मेरे पुत्र नहीं और मैं तुम्हारी माता नहीं। नहीं माता, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, आपका प्रत्येक आदेश मानूंगा, किंतु मुझे माता कहने का अधिकार दीजिए। मैं मेरी माता के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ माता, मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। यदि तुम मुझे अपनी माता कहना चाहते हो तो ये लो कुल्हाड़ी, तोड़ दो अपना धनुष, क्या मेरा शिरश छेद कर दो। निर्णय तुम्हारा है। मैंने धनुष का त्याग कर दिया माता। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ माता। Oh,
क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए माता। अपने ताऊ को रथ में बैठने के लिए सहायता करो, शीघ्र ही उन्हें किसी अन्य गांव के वैद्य के पास ले जाना होगा। चलिए प्रदर्शी। शीघ्र ही पास के गांव पहुंच जाएंगे, वहां आपकी चिकित्सा होगी और आपकी पीड़ा भी शांत हो जाएगी। मेरी पीड़ा कभी शांत नहीं होगी अधिरथ। जब जब करण का मुख देखूंगा, मुझे मेरे हाथ कटने की पीड़ा फिर से भोगनी होगी। अत्यंत दयालु था, मेरा एक ही हाथ काटा था, किंतु तुमने और तुम्हारी पत्नी ने एक बोध और निर्दोष बालक के दोनों हाथ काट दिए। आदर्श, कर्ण एक सूत पुत्र है, धनुष सदा ही उसके लिए दुख का कारण बनेगा। उचित ही है जो उसने धनुष का त्याग कर दिया। मकड़ी हो तुम, जो सुरक्षा की लालसा में सदा अपने ही बनाए हुए कारागार में बंधी रहती है। सूतों का सारा समाज मकड़ी की भांति बंधन में बंधा रहेगा, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वो देने का साहस नहीं उनमें। एक बालक था जो सूतों को स्वतंत्रता दिला सकता था, सम्मान दिला सकता था, किंतु तुमने उसके और अपने सारे समाज के भाग्य में काराकार लिख दिया है। बहुत बड़ा अन्याय किया है तुमने अधिरथ, बहुत बड़ा अन्याय। ईश्वर ने एक सामान्य से परिवार में ऐसा सामान्य बालक को स्थान क्यों दिया धीरथ? तुम नहीं जान पाओगे। ईश्वर के निर्माण का तात्पर्य अंधकार के भय से जो अपनी आंखें बंद रखता है, वो सूर्य का उदय नहीं देख पाता। Thank you.
सूचना मिली है तुम प्रवास कर रहे हो अधीरथ। जी महोदय, राधाश्री के घाव का उपचार करवाना आवश्यक है। आपके सामने रहकर आपका अपमान करने से उचित है कि हम यहां से चले जाएं। उत्तम विचार, किंतु प्रवास के हेतु मेरे अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अधीरथ। मेरे अनुमति पत्र के बिना धरती के किसी भी कोने में तुम्हें आसरा नहीं मिल सकता अधीरथ। आप यथार्थ कह रहे महोदय, भूलोगे मुझसे तो मांगो अनुमति पत्र। अध्यय महोदय, हमें इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रवास हेतु आप मुझे अनुमति पत्र का दान कीजिए। अवश्य। जो अनुमति मांगेगा उसे अनुमति पत्र अवश्य मिलेगा। मुझे मेरे परिवार के साथ प्रवास करने की अनुमति का दान दीजिए महोदय। अवश्य। मैं इस गांव से नहीं हूं, अतिथि हूं यहां। मुझे अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अनुमति पत्र नहीं, तुम्हें गांव त्याग करने का आदेश मिलेगा। तुम्हें अपने माता पिता के साथ नहीं जाना। मुझे अनुमति का दान दीजिए। अवश्य। और तुम कर्ण, यदि अपना स्थान जान गए हो तो प्रार्थना करो। प्रार्थना चरण स्पर्श करके की जाती है। यह धनुष का गर्व अभी गया नहीं।